नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पिन नई न्यूज। हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद कोई भी हार का ठिकाना अपने सर पर लेना नहीं चाह रहा है। इसीलिए कब हरियाणा के कांग्रेस में लड़ाई हो जाए कोई भी नहीं जान रहा है। ताजा मामला जो है आप दर्शकों के सामने रखूं, इससे पहले बता दूं कि नेताओं के बयान और सवाल एक दूसरे को चुभने लगे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज कांग्रेस खेमे में क्या कुछ हो रहा है। देखिए, ताजा मामला जो है आप दर्शकों को बता रहे हैं वो ये कि अजय माकन जो थे वो हार गए हैं। अजय माकन की नहीं, हुड्डा की हार हुई है, मतलब अपने हार का ठेका एक दूसरे पे फोड़ा जा रहा है। कुलदीप बिश्नोई के चुभते सवालों के बाद कांग्रेस में कब झगड़ा बढ़ जाएगा ये किसी को पता नहीं। दरअसल मामला ये है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के लिए नियम है और कुछ के लिए वही जो है ये अपवाद है, ऐसा बिश्नोई साहब कह रहे हैं। क्रॉस वोटिंग को लेकर कुलदीप बिश्नोई को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में बीजेपी के भी विधायक क्रॉस वोटिंग के चलते जो है उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया। हम और आप बाखूबी तरीके से समझ रहे हैं कि आज विधायक या सांसद किस तरह से बिकते हैं और किस तरह से अगर वो आवाज खड़े करते हैं या फिर कोई गलती करते हैं तो उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन जिस मामले में जब जिस पे सस्पेंड करना चाहिए उनकी बर्खास्ती नहीं होती है, ये हमारा बाखूबी से देख रहे हैं। देखना ये होगा कि हार के बाद जो एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है, हार के बाद जो एक दूसरे पर इल्जाम का दौर शुरू हो गया है, कांग्रेस के हाईकमान कब इस पर एक्शन लेंगे और कब चुप्पी तोड़ेंगे। देखना यह भी होगा कि क्या कांग्रेस पूरी तरह से जब टूट जाएगी और बर्बाद हो जाएगी तब क्या कांग्रेस के हाईकमान फिर से जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ठीक राज्यसभा चुनाव के बाद जाने वाले थे बिश्नोई से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बिना उनसे मिले हम कोई काम नहीं करेंगे। अब देखना यही होगा कि आखिर जो है इन पूरे मसले पे समाधान कैसे निकाला जाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी खबर देखते हैं स्पिन नई न्यूज़। नमस्कार।